आज संडे है तो आज संडे कुछ स्पेशल मैं बना रहा हूँ, खा पी के एंजॉय करेंगे, मस्ती मारेंगे। क्यों भाई रुद्रा? तो हमारे सामने भाई हमने बनाया है चिकन, ये भी देसी चिकन, मस्त देसी मुर्गा बनाया। देखो भाई क्या लजीज हो रहा है, बिल्कुल क्या इसकी ग्रेवी हो रही है, शानदार ग्रेवी हो रही है। देखो भाई बिल्कुल लजीज और बहुत गजब का बना है भाई, ये बहुत गजब का बना है, मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ तैयार हो रहा भाई बिरयानी का मसाला, इसमें हमने डाला है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लौंग, इलायची, टमाटर, उसके बाद में चिकन मसाला, सारे गरम मसाले जो मैंने बताया, एक खड़ा मसाला और एक दो और आइटम है जैसे काली मिर्च वगैरह। ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है, इसमें कुछ ऐड करेंगे अपन भाई। काजू बादाम डाल दो, देखिए काजू बादाम ये डाल दिया, मसाला तब तक फ्राई करें, कोशिश करें सरसों के तेल बनाने की, नहीं हो तो जो उसका बोलते हैं ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल उससे बनाए। इसमें भाई थोड़ा 2 चम्मच घी डालेंगे, उसमें टेस्ट क्या बहुत ज़्यादा निकल जाता है, घी डालेंगे। टेस्ट किया बहुत अच्छा आता है, और इस्तेमाल हमने भाई देसी घी का किया है, ये देख सकते हो आप, देसी घी। एक कप कच्ची लाल मिर्च डालिए, देखिए कच्ची है, ये सूखी नहीं है, कच्ची है पर रेड है, ये डाला। मसाला तब तक भुने तक जब तक ये इसमें से अच्छी पकी हुई स्मेल नहीं आए तब तक इसको भूनते रहिए। ये भून दिया भाई, इसके लिए जो चावल इस्तेमाल हुआ है वो ये लंबे चावल होते हैं, देखिए तो बहुत लंबे होते हैं, बनने के बाद भी काफ़ी लंबे होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है, और ये लंबे इसलिए खाए के लिए इसके अंदर जो है इसका मसाला घी वगैरह बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर वो हो जाता है, अंदर को चला जाता है, इंग्रीज हो जाता है, और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। ये भाई देसी मुर्गा है, इसको इसके अंदर डालेंगे हम, ये देखो भाई ये डाल दिया, ये चला है चम्मच, इसमें मसाले तो सारे हैं, नमक अभी तक इसमें मैंने डाला नहीं है, सिर्फ मसाले को भूना है, नमक वगैरह अभी कुछ भी नहीं डाला है, नमक टेस्ट करने के बाद स्वाद अनुसार ही डालूँगा भाई। ये आ गया चिकन, उसके बाद में भाई आएगा अब ये चावल, चावल करीब हमने लिया है 700 ग्राम, और देसी चिकन है करीब 1 किलो। तो भाई ये चावल आ रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे डालने के बाद में। देखो भाई चावल डल गए हैं भाई, चावल को अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दो भाई, ताकि ये नीचे चिपके नहीं, लगे नहीं। ये देखिए भाई ये कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ मैं शानदार तरीके से, मसाला इसका बहुत अच्छे से पक गया है, अब इसको मिक्स कर रहा हूँ भाई, अभी से मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के, बनने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, ये पूरा जो है भाई पात्र पूरा भर जाएगा ये चावल से, मतलब बिरयानी से। ये देखो भाई इसको अच्छे से मिक्स कर दिया भाई, देसी धनिया कटा हुआ जो है ना वो डाल लिया इसमें, लगा लो भाई चश्मा, हीरो कैसे दिखूंगा बिना चश्मे के। ये भाई देसी, ये अपने खेत के भाई, ये हरी धनिया है ना, इसमें थोड़ा क्या उसके धनिया भी लग गए हरे हरे, वो डाल रहा हूँ तो इसमें क्या महक खुशबू बड़ा ज़बरदस्त और ज़ोरदार आएगा, ये डाल रहा हूँ भाई सारे भाई, ये मिक्स हो गया है, देख सकते हो आप लोग। मसाले जो भी मैंने पहले आपको बताया था वो रेडी था, और वो फ्राई था, मतलब उसमें मसाले भून के मैंने उसको अच्छे से, जो भूनने का जो महक आता है मसाले का, कच्चा महक ख़त्म हो जाता है, वैसा था, वहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी। तो भाई ये देखो पूरी तरह से मिक्स हो गया, इसमें खुशबू भी बड़ी गजब की आ रही है, बहुत शानदार, एक नंबर। अब इसमें आएगा भाई पानी, पानी डालो भाई इसमें,
पानी का बहुत ध्यान रखे भाई, क्योंकि ना पानी अगर कम ज्यादा हो गया बिरयानी की माँ बहन हो जाएगी बॉस। पानी का बहुत स्पेशल ध्यान दें। अगर आपको ज्ञान नहीं है कि पानी कितना डालना है क्या नहीं, आप किसी से पूछ ले, आपके घर में जो माताएं बहन है उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई ये चावल है और इसमें पानी कितना रखना है। इसलिए पानी अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया, कम हुआ तो भी बिरयानी बिगड़ जाएगी और ज़्यादा हुआ तो खिचड़ी बन जाएगी, बस खा भी नहीं पाओगे। तो भाई पकने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। बिरयानी में उबाल आ गई है, दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये बिरयानी में उबाल चल रही है। देखो भाई ये बन रहा है मस्त शानदार। अभी तो ये आधे भी नहीं फूले भाई, देखो अभी से इतने बड़े हो गए ये चावल। देखो अभी तो आधे भी नहीं फूले, अब फूलेंगे बहुत से पूरे पूरे तरीके से। मिलते हैं आगे की वीडियो में, सॉरी बिरयानी बनने के बाद मिलते हैं। हाँ, तैयार है गर्मा गर्म बिरयानी। बस ये देखो गर्मा गर्म भाई। देखो भाई चावल के साइज देखो तुम तो यार, ये देखो कितने लंबे और बड़े हैं। ये देखो भाई मस्त भाई, ये बादाम। हाँ हाँ शानदार बॉस। कभी आओ हमारे पास भी, साथ में बिरयानी खाएंगे, ऐसे बना के खाएंगे। आया साथ में कभी खाए बैठे। बहुत गर्म है बना के खाओ, मजा आ जाएगा। मेरे पास आओ अपन बना के खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना मेरे वीडियोज़।